फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को रिकवर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपना स्नैपचैट अकाउंट अगर गलती से आपने डिलीट कर दिया है तो आप उसको कैसे वापस कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको जो मैं बताऊँगा वो सब समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम इसके लिए अपने स्नैपचैट को ओपन कर लेते हैं। अपने स्नैपचैट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको लॉगिन करने को बताएगा। दोस्तों, अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, दोस्तों आपको उसका ईमेल और पासवर्ड पता है दोस्तों, तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ज़रूरी की बात और है दोस्तों, अगर आप अपना स्नैपचैट अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो 30 दिन के अंदर ही आप अपना स्नैपचैट अकाउंट वापस कर सकते हैं। दोस्तों, 30 दिन के बाद अगर आप अपना स्नैपचैट अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपका वो स्नैपचैट अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। तो आप अपने 30 दिन से पहले ही जो आपका स्नैपचैट अकाउंट है उसको आप ईमेल और पासवर्ड डाल के आप अपना स्नैपचैट अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल डाल दिया है, यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम जो भी है वो डाल दिया है, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉगिन का जो भी ऑप्शन दिखता है आपको दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ यहाँ पे आएगा। दोस्तों, देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे अभी तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, योर अकाउंट इज़ करेंटली डीएक्टिवेट, यू हैव 29 डेज लेफ्ट टू रीएक्टिवेटेड योर अकाउंट बिफोर इट्स डिलीटेड, डू यू वॉन्ट द रीएक्टिवेट योर अकाउंट। दोस्तों, हमें यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात बताई थी आपको, वहाँ पे लिखा हुआ है 29 डेज के अंदर आप अपना कर सकते हैं वापस अपना स्नैपचैट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं आप अपने आपका जो भी वहाँ पे जो भी आपने ईमेल वगैरह लगाया था उस पर मैसेज आएगा। तो यहाँ पे टीम स्नैपचैट की तरफ से एक हमें मैसेज आ चुका है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा स्नैपचैट अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है दोस्तों। और चलो, हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने जीमेल पे जाके। यहाँ पे अपने जीमेल पे जाके हम अपने टीम स्नैपचैट के देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी टीम स्नैपचैट की तरफ से जो भी हमें ईमेल आया है उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपचैट लॉगिन ऑन जुलाई 3, 2020। यहाँ पे हमने 3 जुलाई 2020 में हमने कर लिया है यहाँ पे लॉगिन, जस्ट लॉगिन इन यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी जिस मोबाइल में हमने यहाँ पे लॉगिन किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे हमें दिखा देता है दोस्तों। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं ईमेल में आके। और यहाँ पे स्नैपचैट अकाउंट को जब भी मैं ओपन करता हूँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैपचैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा स्नैपचैट अकाउंट है। मैं अपने यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा स्नैपचैट अकाउंट है वो यहाँ पे हो चुका है लॉगिन दोस्तों। तो आप अपने 30 दिन के अंदर अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।